కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన హామీలను నిలబెట్టుకుంటుందని రాహుల్ గాంధీ హామీ ఇచ్చారు రోడ్ షోలో భాగంగా పెద్దపల్లిలో నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో రాహుల్ పాల్గొన్నారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ శంగరేణి బొగ్గు గనులు ప్రైవేటీకరణ కాకుండా అడ్డుకుంటామని అన్నారు అధికారంలోకి వచ్చిన నెలలోపే ఇచ్చిన ప్రతి హామీని అమలు చేస్తామని అన్నారు రాహుల్ తెలంగాణలో కేసీఆర్ ఓ రాజులా వ్యవహరిస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు గత ఎన్నికల ముందు కేసీఆర్ మోదీ ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేశారా అని నిలదీశారు రాహుల్ గాంధీ आपका सपना था उस सपने को आपके चीफ मिनिस्टर ने पूरा नहीं होने दिया चुनाव से पहले लड़ाई दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में है एक तरफ आपके चीफ मिनिस्टर और उनका परिवार उनका परिवार सरकार के सबसे जरूरी डिपार्टमेंट्स कंट्रोल करता है चाहे वो जमीन हो रेत हो शराब हो चीफ मिनिस्टर का परिवार इन चीजों को तेलंगाना में कंट्रोल करता है और वो काम चीफ मिनिस्टर जैसे नहीं राजा जैसे करते हैं कलेश्वरम के बारे में आपको मालूम है प्राइस एक्सिल एक्लेशन करने के बाद एक लाख करोड़ रुपए का नया बजट बनाया आपकी जमीन डुबा दी आपसे जमीन छीन ली मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस प्रोजेक्ट से आपको क्या फायदा मिला क्या यहां के लोगों को पानी मिला यहां के लोगों को फायदा मिला सिर्फ चीफ मिनिस्टर के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर मित्रों को फायदा मिला धरनी पोर्टल से यहां किसी को फायदा हुआ और आपकी जमीन आपसे छीन ली कंप्यूटराइजेशन का बहाना था लक्ष्य आपकी जमीन छीनने का था टू बी के का स्कीम था मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोगों को घर मिले किसानों से कर्जा माफी की बात की थी एक लाख करोड़ रुपए आपको देने की बात की थी कितना कर्जा माफ किया सिर्फ बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को रायता बंधु का फायदा मिला सिंगरेनी माइंस के वर्कर्स से बात किया हूं यहां की जो सिंगरेनी के माइंस है उनको हम प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे पहले भी अदानी जी को बेचने की कोशिश हुई थी हमने रुकवाया हम खड़े हो गए और यहां के जो वर्कर्स हैं उनकी रक्षा कांग्रेस पार्टी करेगी केसीआर जी ने आपसे झूठ कहे दलितों आदिवासियों से उन्होंने कहा कि वो तीन एकड़ जमीन उनको देंगे नहीं दिया मोदी जी पंद्रह लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालने का वायदा कर गए नहीं किया इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है तो हम करके दिखाते हैं हम आपसे झूठ नहीं बोलने आए हैं और सबूत चाहते हैं आप तो कर्नाटक जाइए छत्तीसगढ़ जाइए राजस्थान जाइए कर्नाटक में चुनाव से पहले हमने वायदे किए महिलाओं से किसानों से हमने वायदे किए कर्नाटक में आप किसी से भी पूछ लीजिए क्या कर्नाटक की महिलाएं बस में मुफ्त में जाती हैं हा या ना एक आवाज से कर्नाटक आपको जवाब देगा कर्नाटक की महिलाएं फ्री में बस में घूमती हैं उनके बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे आता है